नमस्कार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2022 आने वाला है और यह वर्ष 2022 आपके जीवन में क्या उन्नति लेकर के आएगा या किस प्रकार की परेशानियों को उत्पन्न करेगा उसके लिए श्रीनाथ एस्ट्रोसाइंस संस्था वार्षिक राशिफल 2022 लेकर के प्रस्तुत हो रही है इस राशि फल को सुनने से पहले कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए यह राशि फल मुख्यतः आपके जन्म राशि पर आधारित है मतलब आपकी जो भी जन्म राशि है उसी से इस राशि फल का श्रवण आपको करना चाहिए दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के अनुसार जो भी ग्रहों की महादशाएं विंशोत्री महादशा प्रत्यंतर प्रत्यंतरदशा यदि चल रही है तो उसका प्रभाव भी इस वार्षिक राशि फल पर पड़ेगा कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी दशा अंतरदशा अच्छी है और वार्षिक राशि फल अच्छा है तो निसंदेह यह वर्ष बहुत ही अच्छा जाने वाला है लेकिन आपकी महादशा अंतरदशा अशुभकारी है और फल आपका अच्छा है तो मध्यम जाएगा किंतु यदि आपकी दशा दशा अनिष्टकारी है और राशि फल भी अनिष्टकारी है तो बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियाँ 2022 में आपके सम्मुख उपस्थित होती दिखाई देंगी तो आपको अपनी दशा दशा ग्रहों की क्या परिस्थितियाँ हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए मुख्यतः यह राशिफल गोचर पद्धति पर आधारित है अष्टक वर्ग पद्धति पर आधारित है मतलब बिंदु और रेखाओं के माध्यम से जो पारंपरिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है इसलिए यह राशिफल पूर्णतः प्रामाणिक है और इस राशिफल में कही गई सारी बातें आपके जीवन में अवश्य घटित होते हुई दिखाई देंगी राशिफल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है यदि वार्षिक राशिफल के बारे में बात करें तो क्योंकि अप्रैल महीने में बृहस्पति शनि राहु और केतु चार बड़े बड़े ग्रह जो हैं अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो जनवरी से लेकर के अप्रैल तक और मई से लेकर के दिसंबर तक यह दो भागों में आपका यह वर्ष विभाजित होगा तो यदि वार्षिक राशिफल 2022 के बारे में बात करें तो अभी आपका समय वैसे अच्छा जा रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए क्योंकि चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है जो दशम को देख रहा है तो कहीं न कहीं से रोजगार में वृद्धि कर ही रहा है अवसर रोजगार के सृजित कर रहा है और तृतीय भाव में जो शनि बैठा हुआ है वह आपको और अत्यधिक परिश्रमी बना रहा है साहसी बना रहा है काम को लेकर के आप के मन में नवीन प्रेरणा दे रहा है आपको ऊर्जावान बना रहा है तो शनि की स्थिति तो बहुत ही अच्छी है तृतीय भाव में यदि वर्ष के आरंभ में हम बात करें तो हाँ सप्तम का राहु जरूर वैवाहिक जीवन में परेशानियों को जन्म दे रहा है मतलब विवाह संबंध में जो भी होने वाले हैं या अभी अभी जिनकी शादी हुई है तो उनके लिए तो थोड़ा सा प्रतिकूल परिस्थितियां तो बनती हुई दिखाई दे ही रही हैं राहु के कारण लेकिन चतुर्थ भाव में बृहस्पति वैसे तो सामान्यतः तो अशुभ माना जाता है चतुर्थ का बृहस्पति किंतु उसकी दृष्टि दशम पर पड़ रही तो आजीविका के लिए और स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही अच्छा संकेतित कर रहा है अप्रैल तक का जो महीना है क्योंकि अप्रैल मास में ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है बृहस्पति शनि राहु और केतु ये चार बड़े बड़े ग्रह अप्रैल में राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो निसंदेह यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में कुछ और शुभ परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाला है ही मतलब अप्रैल तक की जो स्थितियां दिखाई दे रही उसमें ऐसी भी संभावनाएं बन रही है कि आप यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम करना चाहते हैं मतलब गृह वाहन भूमि इत्यादि लेने का सोच रहे हैं या फिर कहीं पर कुछ पेंडिंग चल रहा है तो वह अप्रैल तक निसंदेह होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में है तो अभी तक का जीवन यदि बात करें तो थोड़ा सा अच्छा हुआ दिखाई दे रहा है अप्रैल तक शनि मकर राशि में प्रवेश कर रहा है अप्रैल महीने में बृहस्पति मीन राशि में है आ, राहु मेष राशि में है और केतु तुला राशि में प्रवेश करेगा अप्रैल महीने में तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल के बाद का जो समय है संघर्ष भरा होने वाला है शनि के कारण क्योंकि चतुर्थ का शनि वैसे ही परेशानियों को जन्म देता है विशेषकर घरेलू परिस्थितियों को प्रतिकूल बनाता है मतलब उसमें सुख की मात्रा कम कर देता है किंतु पंचम का बृहस्पति बैठ करके कहीं न कहीं से उसको व्यवस्थित करेगा वर्ष पर्यंत मतलब दिसंबर तक तो उसको व्यवस्थित रखेगा ही रखेगा धार्मिक क्षेत्रों में आपकी बुद्धि थोड़ी सी परिवर्तित होगी क्योंकि पंचम भाव में मीन राशि का बृहस्पति है तो धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी विशेष रूप से यदि बात करें तो यदि आप कहीं काम कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन के भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपके पद में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है आपके मन में नए नए विचार उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि छठे भाव में जो राहु बना बैठा हुआ है वह शत्रुहनता योग बना रहा है छठे का राहु यदि देखें तो आपके जो भी शत्रु थे या फिर अभी तक जो भी काम पेंडिंग में पड़े हुए थे या लीगल एक्शन जो भी आपके लिए यदि अभी तक हो रहे थे या जो आपकी छवि खराब हो रही थी तो उन सब में राहु बहुत मदद करने वाला है अप्रैल के बाद से तो संदेह अप्रैल के बाद से राहु आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आएगा आपके जो भी प्रतिद्वंदी हैं प्रतिस्पर्धी हैं वह कहीं न कहीं से परास्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं छठे के राहु के कारण चतुर्थ का शनि थोड़ा सा पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन को कष्ट में तो रखेगा ही रखेगा क्योंकि शनि की दृष्टि की यदि बात करें तो छठे भाव पर उसकी दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर उसकी प्रत्यक्ष दृष्टि पड़ रही है तो रोजगार के क्षेत्रों में भी आजीविका के क्षेत्रों में भी करियर के क्षेत्रों में भी उतार चढ़ाव रखेगा मतलब उसमें आपको स्ट्रगल देगा संघर्ष देगा जो भी पॉजिटिविटी चीज़ें होने वाली हैं उनको कहीं ना कहीं से नकारात्मक चीज़ों में परिवर्तित कर देगा लेकिन बृहस्पति का पंचम में बैठना आपके पूरे वर्ष को अप्रैल के बाद से बहुत हद तक व्यवस्थित करता हुआ नज़र आ रहा है मतलब कुछ भी आप काम करेंगे या उसमें फंस जाएंगे तो कहीं ना कहीं से यह एक प्रकार से आपको बचाता हुआ नजर आएगा प्रेम प्रसंग के बारे में बात करें जो लोग लव या रिलेशनशिप में है या वैवाहिक जीवन में है तो उनके लिए तो अच्छा जाने वाला है क्योंकि बृहस्पति पंचम का तो वैसे भी अच्छा होता है व्यक्ति में यदि बात करें तो धैर्य की कमी नहीं होने देता है पेशेंस बहुत बढ़ा देता है व्यक्ति समझदार होने लगता है नई नई चेतनाएं उसके अंदर जन्म लेने लगती हैं तो जो भी लव या रिलेशनशिप में जो भी नवयुगल दंपति है तो उनके लिए तो अप्रैल के बाद का समय तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है यदि हम बात करें बृहस्पति की स्थिति तो क्योंकि पंचम का बृहस्पति तो वैसे ही नुकसान नहीं होने देता है वह भी मीन राशि का बृहस्पति तो अप्रैल के बाद से वृश्चिक राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है लेकिन थोड़ा सा संघर्ष जीवन में बना रहेगा मतलब आपको ऐसा हो सकता है कि काम को लेकर के यात्रा करनी पड़े या भागा दौड़ी करनी पड़े या फिर आजीविका को लेकर कार्य क्षेत्रों को लेकर के थोड़ी सी संघर्ष वाली स्थितियां तो बनेंगी लेकिन बृहस्पति के कारण आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा विदेश जाने के बारे में जो भी सोच रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है क्योंकि छठे भाव का राहु बैठा हुआ है तो वह भी मेष राशि में मतलब चर राशि में तो सर्विस के क्षेत्र में मीडिया के क्षेत्र में टेलीकॉम के क्षेत्र में बहुत उपलब्धि प्राप्त कराता है और विदेश जाने की संभावनाएं भी बहुत हद तक बनाता है क्योंकि केतु तो द्वादश में बैठा हुआ है तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल के बाद से कहीं ना कहीं से यात्राओं का संयोग बन रहा है स्थानांतरण का संयोग बन रहा है मतलब यदि आप अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं या फिर कहीं पर स्थानांतरित होना चाहते हैं ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो अप्रैल के बाद से तो समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वृश्चिक राशि वालों के लिए तो यह वर्ष अप्रैल के बाद से और अच्छा जाने वाला है